खबरों की शुरुआत करेंगे। मध्य प्रदेश के 10 जिलों में लंपी वायरस फैल रहा है। रतलाम, नीमच, बैतूल, मंदसौर में लंपी वायरस का कहर देखने को मिल रहा है। उज्जैन, इंदौर, धार, खंडवा और बुरहानपुर में लंपी वायरस का अटैक हो गया है। मध्य प्रदेश के 10 जिलों में 16 पशुओं की मौत हो गई है। लंपी वायरस के 2170 पशु बीमार हैं और 1717 ठीक हुए हैं। एहतियात के तौर पर भोपाल में बुसेल्ला टीकाकरण किया जा रहा है। तो मध्य प्रदेश में लंपी वायरस की दस्तक हो चुकी है, जिससे कई गायों की जो है मौत हो रही है। और पूरे देश की बात करें तो लंपी वायरस का कहर देखने को मिल रहा है। कई गायों की जो है हर दिन प्रतिदिन मौत हो रही है। देखिए तस्वीरों में, देखिए लंपी वायरस का कहर, कई गायें जो है इस लंपी वायरस का शिकार हो गई है। 10 जिलों में ये वायरस बुरी तरीके से फैल गया है। रतलाम, नीमच, बैतूल, मंदसौर में लंपी वायरस का कहर देखने को मिला है, तो वहीं उज्जैन, इंदौर, धार, खंडवा। तो वहीं खंडवा में भी लंपी वायरस का अटैक हो गया है। अब तक कुल 8 गायों की मौत हो गई है। खालवा में 1 और पंधाना में 7 गायों की मौत हो गई है। 13,000 से अधिक गायों को वैक्सीनेशन लगाया गया है। तो देखिए खंडवा में भी लंपी वायरस का अटैक, यानी कि मध्य प्रदेश में बात करें तो कई जिलों में लंपी वायरस दस्तक दे दी है। अब तक कुल 8 गायों की मौत हो गई है, यानी कि खंडवा में सबसे ज्यादा गायों की मौत पाई गई है। 8 गायों की मौत हो गई है। खालवा में 1 और पंधाना में 7 गायों की मौत। तो प्रतिदिन जो है गायों की मौत का मामला जो है वो दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। लंपी वायरस का कहर जो है वो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ और पूरे देश की बात करें तो हर जगह जो है लंपी वायरस इन पशुओं में अटैक कर रहा है। ये कहर बढ़ता जा रहा है। तो देखिए खंडवा से इस वक्त की खबर, जहां 8 गायों की मौत हो गई है लंपी वायरस को लेकर। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ संवाददाता इमरान हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। इमरान, लंपी वायरस का अटैक जो है खंडवा में भी है और 8 गायों की मौत हो गई है, क्या कुछ अपडेट? देखिए बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि खंडवा, मध्य प्रदेश के अन्य जिलों के साथ खंडवा में भी जो है लंपी वायरस का अटैक साफ देखने को मिल रहा है। जिले के आंकड़ों की अगर मैं बात करूं तो अब तक जो है 8 गायों की इसमें मौत हो चुकी है, जिसमें खालवा की 1 और पंडाना की 7 गायें शामिल है। वहीं अब जो है एहतियातन के तौर पर जो गायें हैं, जो गोवंश हैं, उनको जो है बड़ी संख्या में वैक्सीनेशन लगाने का काम जो है डॉक्टरों द्वारा किया जा रहा है। और लगभग आंकड़ों की बात करूं मैं तो करीब 13,000 से भी ज्यादा गोवंश का जो है वैक्सीनेशन हो चुका है। साथ ही जो आसपास के जिले की जो गौशाला है वहां पर नियमित साफ सफाई के साथ सैनिटाइजर का छिड़काव किया जा रहा है और तमाम तरीके की जो एहतियात बरतने के डॉक्टरों ने निर्देश दिए, वो निर्देश का पालन करते हुए जो गो संचालक है वो जो है इस तरीके के जो है नियम को फॉलो करके जो है साफ सफाई के साथ ही जो अन्य पशु जो गोवंश तो है जो बाहर से आ रहे हैं उनको जो है गौशालाओं में लेने से अभी जो है मना कर दिया गया है। फिलहाल रोक लगा दी है क्योंकि चूंकि जो लंपी वायरस जो है खंडवा में तेजी से फैलता जा रहा है, उसका अटैक जो है बढ़ता जा रहा है, जिसके बाद गौशाला संचालकों ने ये निर्णय लिया है कि जो बाहर के जो पशु हैं, जो गाय हैं, जो आ रही हैं दान की हो चाहे दूसरे प्रकार की हो, उन गायों को जो है अभी गौशाला में लेने से जो है मना कर दिया गया है। इमरान बिल्कुल, तो ये बात भी पूछना है मुझे कि इंसानों को भी अब गायों से दूर रहना होगा, क्योंकि प्रश्न ये उठता है क्योंकि दूध से लेकर भी कई बीमारियां पैदा हो सकती है, कि दूध का सेवन भी नहीं करना होगा, मतलब गाय से दूर रहना होगा। देखिए बिल्कुल, मैं अभी बता दूं आपको कि अधिकृत तौर पे तो इस प्रकार का निर्णय नहीं आया है, क्योंकि जो गायों से जो है वो वायरस का जो अटैक है वो इंसानों पर कितना पड़ेगा ये देखने वाली बात होगी। हाँ, लेकिन एहतियातन के तौर पर अगर आप जो है उनके पास जा रहे हैं या संपर्क में आ रहे हैं, क्योंकि चूंकि बताया ये जा रहा है शुरुआती जो जांच रिपोर्ट आई है जो डॉक्टर द्वारा कहा जा रहा है उसमें यही कहा जा रहा है कि जो लंपी वायरस है ये एक दूसरे को पशु को जो है छूने से फैलता है, तो कहीं ना कहीं तमाम तरह के एहतियात जो है वो बरते भी जा रहे हैं और बरतना भी चाहिए। हालांकि अभी इसका खुल के स्पष्ट नहीं हो पाया है कि ये वायरस जो है गायों के बाद क्या इंसानों पे भी उतना ही प्रभावशाली अटैक करेगा। बिल्कुल इमरान, तो और कौन कौन से जिलों में जो है लंपी वायरस का कहर देखने को मिल रहा है? देखिए बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश के अन्य जिलों में हम लगातार सुन रहे थे, पहले तो हम सुन रहे थे कि जो राजस्थान है और जो गुजरात है यहाँ पे सबसे ज्यादा जो है लंपी वायरस का अटैक देखने को मिला था, क्योंकि अब मध्य प्रदेश में भी एंट्री हो चुकी है और मध्य प्रदेश में एक घातक एंट्री हुई है, एक अटैक वाली एंट्री हुई है, क्योंकि देखिए खंडवा में 8 गायों की मौत हो गई है। इसके बाद जो है आनंद फानंद में स्वास्थ्य हमला जो है
वो जाग चुका है और पशुओं में ताबड़तोड़ वैक्सीनेशन का जो काम है वो किया जा रहा है। साथ ही जो गौशाला संचालक है उनको जो है दिशा निर्देश बताए जा रहे हैं कि किस तरीके से अपनी गौशालाओं में वो नियम को बरते, साफ सफाई रखें और सैनिटाइजर का छिड़काव करें। तो तमाम तरह के जो डॉक्टर है, जो पशु डॉक्टर है, वो तमाम तरह के एहतियात बरतने के जो है निर्देश दे रहे हैं। साथ ही टीम भी जो है गाँव गाँव में घूम रही है और जो जानवर जो बिल्कुल इमरान, तो 13,000 से अधिक गायों का वैक्सीनेशन हो गया है, लेकिन देश की बात करें तो कई जिलों में जो है, कई राज्यों में जो है लंपी वायरस का कहर देखने को मिल रहा है और ये दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। सबसे ज्यादा केसेस जो है मध्य प्रदेश के खंडवा में पाए गए हैं और वहीं बात करें राजस्थान में भी 10,00,000 से ज्यादा जो है गाय संक्रमित हुई है। लंपी वायरस का कहर दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है और देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये आप देख सकते हैं कि यहाँ 8 गायों की मौत हो गई है खंडवा से, इस वक्त की खबर आपको बता रहे हैं। 13,000 से अधिक गायों का वैक्सीनेशन भी हुआ है। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने टीकाकरण के निर्देश दिए। देखिए स्वास्थ्य विभाग जो है वो बिल्कुल अलर्ट मोड पे आ गया है, कड़े निर्देश जारी कर दिए गए हैं। पशुपालन मंत्री ने भी कड़े निर्देश दे दिए हैं कि सभी को सहयोग करके जो है, सभी को एक साथ मिलजुट कर इस वायरस का सामना करना पड़ेगा, यानी कि सहयोग देना पड़ेगा। प्रदेश के 10 जिलों में ये वायरस फैल चुका है, मध्य प्रदेश के 10 जिलों में ये वायरस ने दस्तक दे दी है और हर दिन जो है हर गाय जो है दिन पे दिन संक्रमित होती जा रही है लंपी वायरस को लेकर। तो देखिए पशुओं में लंपी वायरस के लक्षण भी पाए जा रहे हैं, कई राज्यों में लंपी वायरस का प्रकोप देखने को मिल रहा है। राजस्थान की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, हर जगह हर राज्य में जो है लंपी वायरस ने दस्तक दे दी है और दिन पे दिन जो है कई गायों की मौत हो रही है और लाखों से ज्यादा जो है गाय संक्रमित पाई जा रही है इस वायरस को लेकर। तो प्रदेश के 10 जिलों में ये वायरस फैल चुका है, खंडवा में 8 गायों